देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से हम खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत एक करके हम डिग्रियां हासिल करते हैं, किस लिए? ताकि हमारा एक अच्छा भविष्य उज्जवल होगा, एक अच्छा करियर बनेगा, हम एक अपने और साथ साथ समाज की जो है हम एक डेवलपमेंट या अपना जो है योगदान दे सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरीके के जम्मू कश्मीर का जो एलजी प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार ने हमारे यानी कि एंटी यूथ के अगेंस्ट में जो पॉलिसीज निकाली है, वो सीधा सीधा हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ है, हमारी इन डिग्रियों के साथ खिलवाड़ है। तो आज हमने ये निर्णय किया, जब अगर ये डिग्री हमारे काम की नहीं है तो हमने इनको क्या करना है, इसलिए आज हमने इनको जलाने का निर्णय किया हुआ है। बीमारी ये है कि जो आपने आरईटी को जो रेगुलराइज किया जनरल लाइन टीचर में, हम चाहते हैं कि आप 80% जो है आरईटी को करें, सॉरी 20% जो है आरईटी को करें और 80% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को। और दूसरी डिमांड, जिस तरीके से आपने एक दूसरा डिसीजन निकाला है कि आप मास्टर लेवल को प्लस टू में प्रमोट करोगे 100%, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि 80% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो प्लस टू की, और 20% जो है आप टीचर को प्रमोट करें। और तीसरी, जो SC RT की आपने नोटिफिकेशन निकाली जिसमें आपने एक्सपीरियंस रखा है लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको जल्द से जल्द उस एक्सपीरियंस को हटाया जाए, उसकी दोबारा से नोटिफिकेशन निकाली जाए, और उस एक्सपीरियंस को हटाने के बाद जो है उसको नोटिफिकेशन देनी चाहिए। डिमांड पूरी नहीं होगी, मैं पहले बता चुका हूँ कि यह जम्मू कश्मीर का वो युवा है जो अपने हक के लिए लड़ता था, लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। इसको अपने हक छीनना आता है, ये रोड पर भी आने को तैयार है, ये लाठियां खाने को भी तैयार है, ये जेल में भी जाने को तैयार है। मेरा नाम रवेल परियार है, मैं जम्मू विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ, मैं खुद एक रिसर्च कर रहा हूँ। और सब हम जो है, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के हर उस युवा का मसला है जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसने BEd/MEd किया है, जिसने NET GRF किया है, जिसने MPhil PhD किया है, हर एक अनएम्प्लॉयड युवा का मसला है। हम सब जो है इसके मिलकर लड़ेंगे।